हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्पष्ट रूप से मानना है, उनका सोच है कि हम बाबा साहब के संविधान पर चलेंगे, और अगर बाबा साहब के संविधान को अगर हम अपना मैनिफेस्टो बनाए होते तो निश्चित रूप से आज देश विश्वगुरु बन गया होता, हमारा देश सबसे समृद्ध देशों में होता, लेकिन आज क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हमारी देश की जीडीपी सबसे खराब हालत में है, जीडीपी के बराबर, मतलब जीडीपी के बराबर जो है हमारा विश्व के दूसरे देशों से जो लोन लिया गया है वो हो जा रहा है, वो हमको मना कर रहा है कि आपको हम लोन नहीं देंगे। विश्व बैंक हमें आंख दिखा रहा है, जितनी विश्व बैंक के मानक हैं वो हमें आंख दिखा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े समर्थवान होंगे, ये कैसे संभव है। सर IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ सबसे बढ़िया और चीन को भी पिछाड़कर नंबर वन पर चल रही है, और आपको ये कौन आपको बताया कि चीन IMF का रिपोर्ट नहीं, IMF का रिपोर्ट तो कह रहा है कि आप अलर्टिंग पॉइंट से ऊपर हो गए हैं, बहुत लाल रेड जोन में है, वो तो बता रहा है कि आप रेड जोन में हैं, आपके हालात सबसे खराब है, आप पाकिस्तान के बराबर हैं, आप चीन के बराबर कहाँ कल्पना कर रहे हैं। सर यही वह देश है जहाँ एक व्यक्ति की कंपनी अचानक सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, और यही हमारे देश का रोना है कि हमारा GDP अच्छा नहीं हो पा रहा है, आम आवाम का GDP अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारी आर्थिक रूप से असमानता का जो दौर चल रहा है, जब तक ये दौर चलेगा हमारे लोग विकसित नहीं हो सकते। सर देश अभी लोकसभा के दहलीज पर खड़ी है, आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी लोकसभा में? देखिए हमारी पार्टी आप किनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ेगी, और उसी दरमियान बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजन समाज से गठबंधन कर रही है, अपने समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील है, और अपने समाज के लोगों का विकास करने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, और उसी के दिशा में हम सभी काम। बिहार विधानसभा से क्या तैयारी सर, लोग प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी तैयारी चल रही है? देखिए बक्सर लोकसभा से भी हमारी पार्टी की तैयारी हो रही है, और निश्चित रूप से बहन जी यहाँ भी तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं, तैयारी हो रहा है, और बहन जी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो नेतृत्व का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, जब बहन जी बोलेंगे निश्चित रूप से। एक आखिरी सवाल होगा ऐसा, बिहार में जातीय समीकरण हावी है, इस पर BSP या आपकी पार्टी कहा जाए क्या? देखिए जातिगत जो आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, अभी तो जातीय जनगणना का सर्वे हुआ, उस सर्वे को भी आपने देखा कि बिहार में बहुजन समाज का कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा है, लेकिन कहाँ वो मिल पा रहा है। आज अगर किसी भी पार्टी में अगर सांसद की बात करें तो सांसद ही बहुजन समाज के सबसे कम लोग, विधानसभा में बात करें तो वहां भी लोग कम। दोषी दोषी कौन? ये दोषी है जो हमारे जो नेता है, जो बिहार में जो अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि मेरे बिना बिहार नहीं है, वो दोषी है, चाहे उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों और भारतीय जनता पार्टी, ये सब दोषी हैं इसके लिए, जो पिछड़े दलित अति पिछड़े जो लोग हैं उनको ये राजनीति में आगे नहीं आने देते हैं, और जिसका नतीजा है कि हमारा हक हर क्षेत्र में मारा जाता है, चाहे वो नौकरियों की बात हो वहाँ भी मारा जाता है, हमारे पास रोजगार की बात होती है वहाँ भी मारा जाता है, हर जगह हमारे लोगों को मारा जाता है। खेल की आश्चर्य होता है कि हम तो अभी खेल के मैदान में ही आए, क्योंकि फुटबॉल जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। नहीं फुटबॉल ही नहीं, बिहार से हर खेल को विलुप्त कर दिया गया है, बिहार के हमारे प्रतिभावान जो बच्चे हैं ये दूसरे राज्यों में जाकर लड़ते हैं, और दूसरे राज्यों से खेल करके अपने प्रतिष्ठा को बचाते हैं, और उनके साथ लगन ये होकर के वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिहार तो आश्चर्य है न, तो इतना बड़े अगर इतने लोग सूरजपुरा में यहाँ एक मैदान में आ सकते हैं, अगर अच्छा स्टेडियम होता, अच्छा खेल खेलने की व्यवस्था होती तो हमारी बच्चियों किसी भी राष्ट्र से, हम दूसरे राज्यों नहीं हम दूसरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिहार की बेटियों में इतनी मजबूती थी, इतनी प्रतिष्ठावान है और इतनी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सकती थी तो किसी भी देश से आगे जा सकती थी, लेकिन आश्चर्य है कि बिहार में न तो हमारा क्रिकेट की व्यवस्था हो पाई है, न फुटबॉल की व्यवस्था हो पाई है, न कबड्डी जैसा टूर्नामेंट होता है वहाँ भी हमारे बिहार के क्रिकेट।
सरकार ने एक अलग से खेल विभाग इस पर बनाया है अभी तुरंत, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 20 साल के बाद अगर हम खेल विभाग बनाते हैं उसका क्या कहेंगे, ये सभी मतलब दिखावा है और दिखावा के अलावा कुछ नहीं। हम यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी निश्चित रूप से इन सब पर विराम लगेगा और हमारे युवाओं को उनका स्थान मिलेगा। धन्यवाद। अमर आजाद पासवान प्रदेश महासचिव जी, तमाम नेताओं का, अतिथियों का, हमारे शेखपुरा की ऐतिहासिक होली में उनका तहे दिल से प्रखंड वासियों के तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच आए आए। और एक और हमारे अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, विक्रम बंसे ग्रेडा अकादमी के चेयरमैन विनय कुमार सिंह जी, उनके प्रिंसिपल डीके सिंह जी हमारे बीच चलकर आए हैं इस मैच को देखने के लिए। 1100 रुपए का नगद पुरस्कार है पहले गोल पर और 1000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा रीता देवी जो जिला परिषद है उनके तरफ से भी 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उनके साथ बिहार पंचायत के टैक्स अधिकारी राम प्रसाद जी के द्वारा भी 1001 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा पहले गोल पर, 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा जिया नगर में स्कूल के प्रिंसिपल अंग्रेजी की तरफ से। इस तरह से मैच चलता हुआ प्रभारी बसपा के माननीय अनिल कुमार जी, उनके साथ में माननीय संजय कुमार जी जो मंडल प्रदेश महासचिव हैं, डॉक्टर रंजन जी जो प्रदेश महासचिव हैं, उनके साथ होंगे भाव से जो कोऑर्डिनेटर है लाल कैप्टन कौन है? अरे ये बहुत ही अच्छा खेला और सबसे बड़ी बात कि खेल भावना से खेला, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है और एक बार के लिए दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाकर के हम अपनी